भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले में जब दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा शुभमन गिल की वजह से रन आउट हुए तो उनका गुस्सा बीच मैदान पर इतना ज्यादा प्रचंड हो गया कि गिल को खरी खोटी सुना डाली। रोहित शर्मा इतना ज्यादा गुस्से में नजर आए कि उनका व्यवहार देखकर राहुल द्रविड़ भी पूरी तरह से हैरान थे। तो क्या था पूरा वाक्य और किस तरह से रोहित शुभमन गिल के ऊपर भड़कते हुए नजर आए, बताते हैं आप। लेकिन अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच यह सीरीज का पहला T20 मुकाबला था जिसमें रोहित ने टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। हालांकि शुरुआत तो भारतीय टीम की पकड़ में ही रही थी। 10 ओवर में अफगानिस्तान की टीम ने सिर्फ 58 रन बनाए थे और उसके बाद मोहम्मद नबी की धाकड़ बल्लेबाजी के चलते अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 158 रन बनाने में कामयाब रही। लक्ष्य सम्मानजनक था और पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल आए थे। रोहित ने पहली गेंद को रोका और उसके बाद अगली गेंद पर मिड ऑफ की तरफ शॉट खेला। रोहित शॉट खेलते ही एक रन के लिए दौड़ पड़े। जबकि रोहित की निगाहें गेंद के तरफ थी तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपनी क्रीज को छोड़ा ही नहीं क्योंकि वह भी फील्डर की तरफ देख रहे थे। रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइकर हाथ पर आ चुके थे और जब उन्होंने देखा कि गिल दौड़े ही नहीं उसके बाद गुरबाज ने उन्हें रन आउट कर दिया, जिसके बाद रोहित शर्मा का गुस्सा इतना ज्यादा देखने को मिला कि उन्होंने वहीं पर गिल को बीच मैदान पर खड़ी कोटी सुना दी। रोहित शर्मा ने हाथ की तरफ इशारा करके कहा कि शॉट के बाद आपको रन लेने के लिए दौड़ना होता है, लेकिन गिल फील्डर को देख रहे थे जिसकी वजह से वह नहीं दौड़े। उन्होंने गुस्से में गिल को जमकर सुनाई। हालांकि गिल भी अपनी गलती को देखने के बाद सिर्फ सर झुकाकर खड़े थे, लेकिन रोहित शर्मा जाते जाते भी काफी ज्यादा नाराज दिखे और जिस तरह से उन्होंने फटकार लगाई राहुल द्रविड़ भी पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि एक साल से भी लंबे समय के बाद रोहित T20 टीम में वापसी कर रहे थे। लेकिन गिल की गलती की वजह से रोहित शर्मा को बिना खाता खोले रन आउट होना पड़ा। अपने आप में रोहित का गुस्सा भी जायज था, लेकिन आप सभी को क्या लगता है दोनों के बीच हुई इस गलतफहमी के चलते जो रन आउट रोहित हुए इसमें किसकी गलती थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।